अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की फलाह बहबूद के सिलसिले में कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बीआरएस और बीजेपी के खुफिया साजबाज के सवाल पर वजीर केटीआर का जवाब। कलवा कुंटला कंपनीज पर हो रहे आईटी धावों से बचने के लिए वजीर केटीआर ने मोदी के आगे घुटने टेक दिए, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। 3 का तरक्की मॉडल शमूलियाती मजमू मजबूत और तवाजुन पर मुबनी, तीसरी मियाद के लिए अवाम बीआरएस का इंतखाब करेगी, कारगुजार सदर केटीआर ने किया दावा। मजलिस अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों में जारी कामों की तकमील के लिए इकदामात पे मसरूफ। एक शख्स के कत्ल का मंसूबा नाकाम, 4 अफराद बशमूल कम उम्र लड़का जेर हिरासत, फलकनुमा पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर के टी रामा राव ने कहा है कि बीआरएस मुल्क की भलाई के सिलसिले में कभी भी कोई समझौता नहीं करेगी। इन खबरों के दरमियान के बीआरएस और बीजेपी का खुफिया साजबाज पाया जाता है। केटीआर ने कहा कि साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस बीजेपी के खिलाफ मसाइल को लेकर मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी सियासी पार्टियों से ही समझौता कर सकती है जिनका एजेंडा बीआरएस से मेल खाता होगा। पीटीआई को इंटरव्यू देते हुए वजीर केटीआर ने कहा कि उसूली मसाइल को लेकर ही बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। वजरे के टीआरएस पार्टी ने अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनाकिद की गई मीटिंग में शिरकत नहीं की, जिसकी निगरानी नीतीश कुमार ने की। Today they are a formidable force, of course nobody can deny that. They have 300 plus MP seats, but remember they also started with 2 MPs. So therefore do not discount, you know, even a 1,000-mile journey starts with a single step. So to you may be in a rush, the media may be in a rush, we are not in a rush, we are not going anywhere, we are gearing up towards 24. We'll see how much ground we can cover till 24, and then there is life beyond 24 as well. You know, our life doesn't start or end with 2024 parliament election. रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर से पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और 2 मनादिर पंडापुर और तुलजापुर के दर्शन करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला केसीआर पीर को उस्मानाबाद पहुंचेंगे, जहां से वो शोलापुर के लिए रवाना होंगे। शोलापुर पंडापुर में वाक़े लॉर्ड विट्ठल मंदिर में वो दर्शन करेंगे, जिसके बाद सरकोली विलेज में बीआरएस के जलसे से खिताब करेंगे। बाद अज़ा केसीआर तुलजापुर उस्मानाबाद पहुँचेंगे, जहां वाक़े तुलजा भवानी टेंपल में वो दर्शन हासिल करेंगे। वाज़ेह के पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की गर्ज़ से 15 जून को केसीआर ने नागपुर में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया था। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर के टी रामा राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात तो उसे तीसरी मियाद में इख्तदार में लाने के लिए काफ़ी हैं। एक खानगी एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वजीर के टी आर ने कहा कि तेलंगाना का तरक्की मॉडल शमूलियाती मजमू मजबूत और तवाजुन पर मुबनी है और ये मॉडल अगले इंतखाबात में पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अवाम इस मरतबा भी तरक्की के मॉडल की बुनियाद पर बीआरएस को ही कामयाब बनाएंगे। Which are actually detrimental to the cause of this great country have to be voted out. That's been our mantra, and I believe that the Telangana slogan, the Telangana model, which is for all of you to come visit, see, because in the age of social media, there's nothing that I can hide. When I say that we've built the world's largest innovation campus, I can't hide it. When I say that we've built the world's largest lift irrigation project, I can't hide it. You can come and expose me.
कोल्हान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इकदामात पर मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असेंबली हलके आखुदपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरमागुड़ा डिवीज़न के इलाके मादना पेट और उसके अतराफ़ व अकनाफ में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और उन्हें तकमील करने के सिलसिले में अहदेदारों पर जोर दिया। इस मौके पर उनके हमराह नुमाइंदा कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने रियासती वजीर के टी रामाराव पर इल्ज़ाम आयद किया है कि हाली अरसे में हुए इनकम टैक्स धावों में जब्त किए गए असासों को छुड़वाने के लिए वजीर आजम मोदी के आगे के टी आर ने घुटने टेक दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने बताया कि के टी आर दिल्ली के कई चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये दौरे किसी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए नहीं बल्कि कलवा कुंटला कंपनीज पर हो रहे धावों को रोकने और जब्त किए गए असासों को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि केसीआर और उनके खानदान ने तेलंगाना को 10 साल तक लूटा है। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीआरएस और बीजेपी में खुफिया साजबाज पाया जाता है। आईटी दाड़ुलु जरिगिनाई अंदुलो चाला रहस्यमैन आस्तुल विवरालु दोरिकिनाई इयाल इनकम टैक्स पट्टुकुन्न आस्तुल निडिपिंचुकोवडानिकि कल्वकुंट्ल तारक रामाराव कुटुंबमे स्वयंगा ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కంపెనీల మీద ఐటీ దాడులు జరిగినాయి. పత్రికలలో ప్రసార సాధనాలలో రాకుండా మేనేజ్మెంట్ చేసిండు కేటీఆర్. ఆ వివరాలన్నిటినీ ఇయాల ఇడిపించుకోవడానికి చంద్రశేఖరరావు మోడీకి లొంగిపోయిన విషయాన్ని మరొక్కసారి వాళ్ళ మంత్రులందరికీ చెప్పడానికి కేటీఆర్ ఢిల్లీ పర్యటన. నువ్వు ఢిల్లీ చుట్టూ ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేసినా గల్లీలో నిన్ను నమ్మేటోడు లేడు కేసీఆర్. ఎందుకంటే పదేళ్ళు తెలంగాణ ప్రజల్ని ధోకా చేసినావు, మోసం చేసినావు, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోసుకున్నావు. ఇవాళ లక్ష కోట్ల రూపాయలు నీకు ఎట్లకెళ్ళి వచ్చినావో తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. ఇవాళ లక్ష కోట్లు దోసుకున్న చంద్రశేఖరరావును మోడీ ఎందుకు పట్టుకుంటలేడు, ఎందుకు జైల్లో పెడతలేడు? నేను ఈ సందర్భంగా ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా, ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్లో కేజ్రీవాల్ 100 కోట్లు తీసుకున్నాడని మంత్రులను అరెస్ట్ చేసినావు, ఆయన మనసులను అరెస్ట్ చేసినావు, కేజ్రీవాల్కి నోటీసు ఇచ్చినావు. 100 కోట్లు దోపిడీకి పాల్పడితేనే ఇన్ని కేసులు పెట్టి ఇన్ని రకాలుగా అరెస్టులు చేసి కేజ్రీవాల్ను విచారణకు పిలిచినావు కదా. सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की दलित बंधु स्कीम बीआरएस अराकीन असेंबली के लिए कमीशन बंधु स्कीम बन चुकी है। उन्होंने बताया कि बीआरएस के एमएलएज मस्कुरा स्कीम के तहत दलितों को इमदादी रकम दिलवाने के लिए कमीशन खा रहे हैं। वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना हुकूमत और केसीआर पर इल्ज़ाम आयद किया कि मस्कुरा बदउनवानी मंजर आम पर आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत और वज़ीर आला को खौफ है कि पार्टी के एमएलएज बगावत कर सकते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इस स्कीम से पार्टी अराकीन असेंबली को फौरी दूर किया जाए और ज़िले कलेक्टर के तहत ग्राम सभा से मस्कुरा कार्रवाई पूरी की जाए। तेलंगाना मुस्लिम तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मुस्लिम डिक्लेरेशन का वादा वफा ना हुआ और मुसलमानों को सिर्फ वादे करते हुए बहलाया गया है। इतवार को मदीना एजुकेशन सेंटर में मुनक़िदा एक इजलास से मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहों ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से मुसलमानों ने बीआरएस हुकूमत पर भरोसा करते हुए सिर्फ नुकसान उठाया है। अब जबकि इंतखाबात करीब हैं, एक मरतबा फिर बीआरएस पार्टी नाम निहाद और कठपुतली बने बीआरएस मुस्लिम कायदीन के जरिए मुसलमानों को लुभाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसको मुस्तरद किया जाना चाहिए और एक नया मुस्लिम डिक्लेरेशन की तश्कील नागुजीर है। जो मीटिंग लगाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सलीम पाशा के और यूनुस और यूसुफ के तहत, मेन एजेंडा क्या है
नौ साल के तेलंगाना में गवर्नमेंट में मुसलमान कैसा धोखा खाए, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट फार्म किया गया मुसलमानों को साथ लेके काम करने का जो वादा किया गया वो वादा को पूरा नहीं किया, उसके वजह से मुसलमान धक्के खा रहे। क्यों खाली बताने के वास्ते होम मिनिस्टर दिया गया, लेकिन अगर कोई चीज़ भी देखा गया तो कोई भी अगर कमेटियों में देखा गया तो कोई मुसलमान का नुमाइंदा नहीं, मुसलमान का नुमाइंदा नहीं है तो कोई बात नहीं था, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा मुसलमानों के साथ फ़ायदा नहीं, फ़ायदा करने का काम नहीं हो रहा। ये हम KCR साहब से पूछना चाह रहे हैं। इस डिक्लेरेशन का मेन वजह यह है कि आज मुसलमानों के साथ तुम जिस तरीके से गद्दारी किए गए उस तरीके से तुम आज मुसलमान तुम्हारे को कैसा भरोसा करने का करना है ये चीज़ बताना है, क्योंकि अब हम उसको करने को और उन बताने का सब कोई टाइम नहीं है, लिहाजा हम इसको एक्सपोज करना हमारा काम है। कोई पार्टी का एजेंडा नहीं है और कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये हर चीज़ हम देखते गए इतने सालों से, इतने कम्युनिटी इतने गवर्नमेंट बनते गए, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में भी ऐसी हालत था, आज भी हालत था, और कोई चीज़ मुसलमान का इश्यू आते ही कोई बाजू रख देता। ये सिचुएशन के वास्ते हम डील करने वास्ते आज मुसलमान तेलंगाना गवर्नमेंट में जो दगा वो धोखा किया गया है वो धोखे के बारे में बात कर रहे हैं और पब्लिक में इसको एक्सपोज करने के वास्ते ये बेशक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मदीना एजुकेशन सेंटर में आज एक राउंड टेबल मीटिंग रखे, ये मीटिंग का एजेंडा है द प्रॉमिस ऑफ मुस्लिम डिक्लेरेशन विच वॉज नॉट फुलफिल्ड पास्ट 9 ईयर्स, जो पिछले 9 साल में हुकूमत तेलंगाना जो मुसलमानों से वादे की जो फुलफिल नहीं करी उसके बारे में तमाम मुस्लिम दानिशवरदा इंटेलेक्चुअल्स को बुला के पिछले 9 साल में मुसलमानों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई, अब आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों की ताहिद किसके साथ रहना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट हो उसके साथ मुसलमान क्या करना, क्या क्या जैसा KCR साहब प्रॉमिस करे थे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले नहीं दिए, और जैसा वहाँ मुस्लिम रिजर्वेशन 12% बोले नहीं दिए, और जो जैसा वहाँ ना कोई एडवोकेट जनरल मुसलमान है पिछले 9 साल में, ना कोई मुस्लिम टीचर्स की रिक्वायरमेंट हुई उर्दू स्कूल में, ना टिमरीज में पूरे मुस्लिम स्टाफ है, ऐसे कई फॉरन 18 पॉइंट्स एजेंडा हम लोग बनाए हैं जिसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं राउंड टेबल मीटिंग रख के। ये 18 पॉइंट्स हम हुकूमत से नुमाइंदगी कर रही है, अब पिछले 9 साल से बार बार नुमाइंदगी करके आ रहे, फिर और एक बार हुकूमत की जेरे समझ ये लेके जाएंगे कि भाई ये पिछले 9 साल में मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, आने वाले दौर में भी आप करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 9 साल से तो आप कुछ करे सरकार नहीं दिख रहे, सिर्फ मुसलमानों के कानों को खुश किया जा रहा बड़े बड़े वादे करके, ना कोई हमारे को नया हज हाउस बनाते बोले, ना आज तक हज हाउस की बिल्डिंग बनी, वही वक्फ बोर्ड की किराए की बिल्डिंग में हज हाउस बन रहा, ना इस्लामिक कल्चरल सेंटर बोले कि CM साहब वादा किए ना इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनना, तो मुसलमान आखिर करना तो क्या करना। तो हम पूरे ज़िला से मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स आके भाई अपनी अपनी सोच रख रहे हैं, सोच का इजहार कर रहे कि आगे मुसलमान क्या अमलावारी करेंगे, क्या फिर ये हुकूमत को मौका देना या कोई और हुकूमत को मौका देना चाहिए कि तब्दीली लाना है क्या, हमारे मुस्लिम जमातें भी हमारे वास्ते कहाँ तक काम करे, आगे उन्हें क्या करना चाहिए। हमारी आज की राउंड टेबल का मकसद यही है ना, हुकूमत पिछले 9 साल में मुसलमानों से सिर्फ झूठ। मानसून की आमद के बाद गुज़िश्त रात हुई बारिश से शहर हैदराबाद के कई सड़कों रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे आवाम को कुछ हद तक मुश्किलात पेश आईं। हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्ली डिवीजन शास्त्रीपुरम में बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसके बाद मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए बल्दी अमले को तलब किया और मुतासरा इलाकों में पानी की निकासी और साफ़ सफाई के इकदाम किए गए। अलावा अजीम मोहम्मद मुबीन ने रशीद कॉलोनी और अदीबा होटल के अतराफ़ की बस्तियों का भी दौरा किया, जहाँ कई एक रिहायशी मकानात में भी बारिश के पानी दाखिल होने की इत्तला मिली थी। वाज़ेह के महकमे मौसमियात की पेश ख्यासी के मुताबिक मज़ीद 2 दिन तक बारिश की पेश ख्यासी की गई है, जबकि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाके बारिश से मुतासिर हुए थे।
तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो TSNAB की जानिब से ड्रग्स के खिलाफ शऊर बेदार करने के सिलसिले में कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNTU और डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस में मस्कुरा शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इन कैंपस में दीवारों पर एंटी ड्रग्स नारे और शऊर बेदारी पर मुबनी स्क्रिप्ट भी तहरीर की जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और डायरेक्टर TSNAB CV आनंद और श्रीमती शैलजा डायरेक्टर DWCPS व दीगर ने सिलसिले के तहत तलबा तालिबात से तबादले ख्याल किया। सो ऑल ऑफ यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू कैंपेन अबाउट दिस, यू आर पेंटेड, योर एंटायर थॉट्स आर आउट नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द इशू, व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन हु गेट्स addicted to narcotics, and then you must campaign about it and form into these committees, anti-drug committees in your institutions, and then take this forward. I really thank the Department of Disability for helping us out in organizing this, and last one month they have been working very hard. I really appreciate the efforts of our SPs Sunita and Chakravarti and Shailaja garu, their secretary Bharati garu, who has really come out and helped in organizing these programs and providing all the wherewithal infrastructure to create this awareness. This is mainly about creating awareness. In the coming 1 year you will see lot of activities. दबीरपुरा माता खिड़की में इतवार की सुबह 24 साल खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक सना फातिमा वल्द मोहम्मद सलीम ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तहम फौरी तौर पर खुदकुशी की वजूहात का पता नहीं चल पाया। इतला मिलते ही रैन बाजार पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि जब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। फलकनुमा पुलिस ने कत्ल के एक मंसूबे को नाकाम बनाते हुए इस मंसूबे में मुलविस 4 अफराद को हिरासत में लिया और मोहलिक हथियार भी जब्त किए। DCP साउजोन PSI चेतनिया के मुताबिक जैतून होटल के करीब धावा करते हुए पुलिस ने मुलजमीन को हिरासत में लिया। इस मंसूबे में मुलविस दीगर 3 अफराद मफरूर हैं, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद में एक कम उम्र लड़का भी शामिल है। हिरासत में लिए गए अफराद में मुलजिम नंबर 1 मीर अशफाक अली उर्फ आमिर खान के अलावा मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद जमील खान और एक कम उम्र लड़का शामिल है। मस्कुर अफराद ने आमिर खान के रिश्तों के भाई नाजिम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था कि पुलिस ने धावा किया और मुलजमीन को हिरासत में लिया। फलकनामा पुलिस कल 4 लोग को पकड़ा जो मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। इनके साथ साथ 3 सिकल्स और 3 चाकू बरामद किया और 2 सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफाक अली, मोहम्मद शुबान खान अलिया शुबानी, मोहम्मद जमील खान अलिया काजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है, जो आमिर है, जो मेन अक्यूज है मीर अशफाक अली अलिया आमिर खान है, उसका और उसका रिलेटिव जो है नाजिम ईशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद ये आमिर जो है झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा, तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया, क्योंकि तो नाजिम बाहर जाके इसके बदनामी कर रहा था और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनके बीवी के ऊपर। तो उसके लिए उनके दोस्तों से मिलके फरहान, सुबान खान, जमील खान, इमरान छोटा इरफान और एक बॉय जूनल जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास, जो फलकनामा में जैतून होटल के पास, उसके ऊपर अटैक करने का कोशिश प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, हमारे क्राइम टीम के पास इंफॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा है, वो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया और साथ साथ उनसे ये 3 सिकल्स और 3 चाकुएं बरामद किया।
और उनके ऊपर क्राइम नंबर 172/2023 अंडर सेक्शन 20B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 149 रेड विथ 511 और आर्म्स एक्ट का 25(1)(a) आर्म्स एक्ट का सेक्शन भी लगा है और आज अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं ये सारी ऑपरेशन जो है। और सभी को इस मौके से सभी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को हम लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है वैसे कुछ होने वाला है ज़रूर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए ताकि एक क्राइम को प्रिवेंट करने पर आप भी पार्टनर हो जाए। थैंक यू। जय जैसे इंफॉर्मेशन आया हम लोग वहाँ पर जैतून होटल के पास वेट करके तो हमारे पास इंफॉर्मेशन था कि वो आ रहे हैं अब रेड हैंडेड पकड़ा गया उनके साथ वेपन के साथ। इंडो खतर ग्रुप की जानिब से इंडो खतर फैमिली मीट अप पार्टी का अहतमाम बंजर हिल्स में वाक़ खुलानीस रेस्टोरेंट पर किया गया। बीआरएस अखिलती क़ायद खलीकुर रहमान और डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की जबकि ताहा यास्मीन ग्रुप सरबराह और प्रेसिडेंट वी के ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने इस पार्टी की निगरानी की। वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमैनिटी केयर फाउंडेशन वज़ीर निसान इजलास की कार्रवाई चलाई और मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में इनामात बशमूल नकद रकम तकसीम की गई। QPL टीम खतर ने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया था जबकि ग्रुप के मॉडरेटर्स में QPL टीम के फाउंडर सिराज अंसारी तमीम खान यूसुफ बाबा बुशरा खदीर दीना अली खान समीना हुसैन और एहतशाम सिद्दीकी शामिल हैं। पार्टी में शिरकत करने वालों में सलाम तैयबी आदिल यार खान नुमान अंबर खानी मोहम्मद मसूद मोहम्मद अनवर मोहम्मद सैफुल्ला फराज फरशोरी और दीगर शामिल हैं। गुलकारा सिमरन और फैज़ान ने अपनी सुरीली आवाज़ में गीत पेश किए जबकि वी केयर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट ताहा यास्मीन और वाइस प्रेसिडेंट वज़ीर निसा को तहनीत भी पेश की गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की फलाह बहबूद के सिलसिले में कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीआरएस और बीजेपी के खुफिया साजबाज के सवाल पर वजीर केटीआर का जवाब। कलवा कुंटला कंपनीज पर हो रहे आईटी धावों से बचने के लिए वजीर केटीआर ने मोदी के आगे घुटने टेक दिए। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना का तरक्की मॉडल शमूलियाती मजमूई मजबूत और तवाजुन पर मबनी तीसरी मियाद के लिए अवाम बीआरएस का इंतखाब करेगी। कारगुजार सदर केटीआर ने किया दावा। मजलिसी अराकीन असेंबली मुतालिका हलकों में जारी कामों की तकमील के लिए इकदामात पे मसरूफ़।
एक शख्स के कत्ल का मंसूबा नाकाम, चार अफराद बशमूल कम उम्र लड़का जेर हिरासत, फलकनुमा पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पयाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पर जरूरत होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।